हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज की क्लास है बीएड सेकंड ईयर की, जिसमें आज हम पेपर फर्स्ट शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा में आज हम जानेंगे शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख क्रियाएं या मेन एक्टिविटीज़ ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पिछले पेपर उठा करके देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसलिए हम इस टॉपिक को काफ़ी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आई होप आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जानेंगे शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख क्रियाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, शैक्षिक प्रशासन की जो प्रमुख क्रियाएँ हैं वो पाँच हैं। शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि किसी भी व्यवस्थापकीय प्रक्रिया, चाहे वो प्रशासन संबंधी हो या फिर शिक्षा संबंधी हो, इन सभी प्रक्रियाओं की चर्चा और विश्लेषण करते समय हमें पांच क्रियाओं को ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहली क्रिया क्या है? नियोजन। दूसरा है व्यवस्था। तीसरा है संचालन करना। और चौथा है समायोजन करना। और पांचवी क्रिया है नियंत्रण और मूल्यांकन करना। तो इन पांच क्रियाओं को हमें ध्यान रखना आवश्यक है। चाहे आप कोई भी कार्य करने चलते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? नियोजन करते हैं, यानी कि उस कार्य के लिए सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं कि भाई हमें करना क्या है। उसके बाद व्यवस्था करते हैं, या फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं कि मतलब जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसके लिए क्या क्या सामग्री आवश्यक है, क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, तो उन सभी चीज़ों की आप व्यवस्था करते हैं। फिर उसका संचालन करते हैं, जो भी चीज़ें आपके पास हो जाती हैं, सामग्री हो जाती हैं, आपने प्लानिंग कर ली, सामग्री को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद आप उसे प्रतिक्रिया उसकी करते हैं, या फिर उसे संचालित करते हैं, आप उसे उस कार्य को निरंतर करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? समायोजन भी करना होता है कि भाई जो चीज़ें हैं, कोई भी गड़बड़ी ना हो जाए, कोई भी परेशानी ना आ जाए उस कार्य में, तो उसका हमें समायोजन भी करना होता है। और लास्ट में हमें उसका नियंत्रण करना होता है या निरीक्षण करना होता है, ये कार्य किस प्रकार से चल रहा है, और उसका मूल्यांकन करते हैं कि जो कार्य चल रहा है, जो कार्य हमने किया है, उसमें हमें सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो ये हमें मूल्यांकन के थ्रू पता चलता है। तो ये पाँच प्रक्रिया हैं शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख क्रियाओं में। तो हम इसे बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देखिएगा, इन सभी क्रियाएं जो हैं, ये सभी क्रियाएं जो आपने देखी है, नियोजन, व्यवस्था करना, संचालन, समायोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये सारी क्रियाएं परस्पर घनिष्ठ संबंधित है, यानी कि आपस में ये सारी चीज़ें संबंधित है एक दूसरे से, और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, और उसमें अलग अलग या पृथक पृथक विशेषताएँ भी हैं। तो इसका परिचय यहाँ पर दिया गया है, हम एक एक करके इसे पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहली जो क्रिया है वह क्या थी? नियोजन, यानी कि प्लानिंग करना। नियोजन का अर्थ क्या होता है? आप सभी को पता ही चल गया कि ये क्या है, प्लानिंग करना है, किसी चीज़ का नियोजन करना, कार्यक्रम को उचित प्रकार से व्यवस्थित करना ही नियोजन कहलाता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए पहले उसके संबंध में योजना बनाना आवश्यक है। मान लीजिए आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, सोच लीजिए कि आप पढ़ने ही जा रहे हैं, तो उसके पहले आप टाइम टेबल बनाते हैं, एक प्लानिंग करते हैं कि हमें किस तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो उसी तरीके से हम कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें प्लानिंग या नियोजन करना होता है, ताकि वो सुचारू रूप से चल सके। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी शैक्षिक व्यवस्थापन में योजना निश्चित करना सर्वप्रथम कार्य होता है, क्योंकि इसका अभिप्राय यह होता है कि हम कार्य करने के लिए तैयार हैं, और हमारे सामने जो हमें निश्चित उद्देश्य मिले हैं, तथा हम यह जानते हैं कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, और उनकी पूर्ति के लिए हमें किस प्रकार का ज्ञान, उपयुक्त समय देना है, और साधन और दूरदर्शिता व विशिष्ट योग्यताओं की अपेक्षा है। हमने जो उद्देश्य बनाए हैं उसके लिए हम कितने तैयार हैं, कितना हमें समय देना है उसमें, कितने साधन की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों की हम प्लानिंग करते हैं। वास्तव में कोई भी योजना बनाना एक प्रकार की क्या होती है? मानसिक क्रिया होती है। आप अपना अगर माइंड सेट कर चुके हैं, तो मान लीजिए कि आपका जो प्लानिंग है वो हो चुका है, तो सबसे पहली क्रिया क्या है? मानसिक क्रिया है। योजना बनाना मानसिक क्रिया होती है, और इसका केवल कागज पेंसिल से ही संबंध है, पर बिना योजना बनाए हम किसी भी निश्चित कदम को नहीं उठा सकते। आधुनिक युग में शिक्षा को व्यक्तिगत
एवं सामाजिक उत्कर्ष का साधन माना जाता है और शिक्षा जगत में न केवल विभिन्न प्रकार के साहित्य उपलब्ध हैं बल्कि कई देशों का अनुभव भी हमारे सामने होता है। अतः शिक्षा के द्वारा अपने राष्ट्रीय स्तर को समुन्नत करते समय हमें शिक्षा की योजना निश्चित करने में दूरदर्शिता का परिचय देना चाहिए, अन्यथा त्रुटिपूर्ण योजना से जो हमारी जो योजना है अगर वह अच्छी नहीं होगी तो हमारी संपूर्ण शक्ति और साधनों का अपचयाएगा और साथ ही हमारा जो खर्च है वह भी अधिक आएगा, साथ ही शिक्षा का स्तर भी नीचे गिर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमें एक सफल योजना या प्लानिंग हमें करनी चाहिए। अगली जो हमारी क्रिया है क्या है, दूसरा व्यवस्था करना या ऑर्गेनाइज करना। तो वस्तुतः शैक्षिक व्यवस्था का दूसरा अंग क्या है, व्यवस्था करना और इसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए उचित सामग्री व उपलब्ध साधनों को एकत्र करना या इकट्ठा करना तथा नियम निर्धारित करना आदि बातें आवश्यक हैं। यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या क्या आवश्यक है, कितना समय, कैसे हम सारी चीज़ें करनी है, उसका आप एक प्लान तैयार करेंगे। उसके बाद जो कार्य आप करने जा रहे हैं, जो उद्देश्य आप पूरा करने जा रहे हैं, उसके लिए कुछ आवश्यक सामग्री भी तो है जो हमें ज़रूरी है इकट्ठा करनी, तो उसको हम व्यवस्थित करेंगे, जो सामग्री है उसको एकत्रित करेंगे। तो यही है, साथ में दो प्रकार की व्यवस्थाएं मानी गई हैं जिसमें से पहली क्या है, शैक्षिक क्रिया में शिक्षक, विद्यार्थी, प्रशासक ना व्यवस्थापक आदि के रूप में शैक्षिक क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों को इकट्ठा करना है। तो बात क्या हो रही है, शैक्षिक क्रिया की बात हो रही है, शैक्षिक प्रशासन की बात हो रही है, यानी कि विद्यालय में जो भी क्रियाएं हैं उनकी बात की जा रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसमें शिक्षक को एकत्रित करना है, विद्यार्थी को, प्रशासक को, इन सभी व्यक्तियों को जो विद्यालय में कार्य करते हैं उन सभी को हमें एकत्रित करना है। उसके बाद दूसरा जो हमारा साधन है उसमें सामग्री की व्यवस्था करना, जो शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक है, जैसे मेज, कुर्सी, बच्चों के बैठने की व्यवस्था करनी है, श्यामपट्ट वगैरह, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करनी है। तो शैक्षिक शिक्षा के लिए हमें ये क्या करना है, पहला जो शैक्षिक क्रिया है उसमें शिक्षक, विद्यार्थी, इन सभी की व्यवस्था करनी है। उसके बाद हमें कुछ जो सामग्री है जिससे शिक्षण कार्य अच्छे से हो सके, सफल हो सके, उन सभी सामग्री की व्यवस्था करनी है। वास्तव में शैक्षिक व्यवस्थापन में व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि समुचित ढंग से व्यवस्था से शैक्षिक कार्य कुशलतापूर्वक हो सकेगा। अगर आपकी व्यवस्था अच्छी है तो शिक्षा का कार्य भी अच्छा हो सकेगा और किसी भी प्रकार का अपव्यय भी नहीं होगा या फालतू खर्च भी नहीं होगा और सारी चीज़ें बेहतर चलेंगी। अगली क्रिया जो हमारी है तीसरी, संचालन करना या डायरेक्टिंग। तो इस प्रक्रिया का संबंध व्यवस्था द्वारा एकत्र की गई सामग्री का उपयोग करना। अब जो चीज़ें आपने एकत्रित कर ली हैं, विद्यार्थी को एकत्रित कर लिया, शिक्षक को बुला लिया और सारी चीज़ों को, सारी सामग्री जो है शिक्षण कार्य से संबंधित उन सभी को इकट्ठा कर लिया, तो क्या ऐसे ही शिक्षा हो जाएगी? ऐसे तो शिक्षा नहीं होगी, हमें उन सभी चीज़ों को क्या करना होगा, उन सभी चीज़ों को करने का आदेश देना होगा और उसे निर्देशन देना होगा, साथ ही उसे उपयोग भी करना होगा। जो सामग्री हमने एकत्रित करी है उसका उपयोग भी तो करेंगे, तभी तो हमारी शिक्षा बेहतर हो पाएगी। तो ये संचालन करने का मतलब यही है कि जो चीज़ें हमने इकट्ठा की है या एकत्र की गई है उन सभी का उपयोग व कार्य करने वाले व्यक्तियों को उनके कार्य हेतु आदेश देना, निर्देश देना तथा उनको उचित सहयोग देना तथा परामर्श देने से है। जो विद्यार्थियों को हमने बुलाया है स्कूल में या फिर एडमिशन लिया है, जो शिक्षक को हमने पदोन्नति दी है, तो इन सभी को निर्देश देना, आदेश देना कि हाँ भाई सबका जो कार्य है उन्हें अपने अपने कार्य में बांट देना, उनके कार्य अलग अलग डिवाइड कर देना। तो ये सारी चीज़ें हैं, विचारक संचालन को अधिकार का गतिशील रूप मानते हैं और वह उसके लिए अत्यंत उच्च स्तर की योग्यता, ज्ञान, नेतृत्व शक्ति, दूरदर्शिता, इन सभी गुण आवश्यक समझने और संचालन को अत्यंत अनुभवी, चैतन्यशील व विवेकपूर्ण व्यक्ति के साथ साथ अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं व अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मानवीय संबंधों की स्थापना में भी निपुण होना चाहिए।
साथ ही संचालन की सफलता के लिए उत्तरदायित्व का विकेंद्रीकरण भी कर दिया जाना चाहिए। तो ये हो गया तीसरी क्रिया। अगली क्रिया हमारी है समायोजन करना या कोऑर्डिनेटिंग करना। तो समायोजना का अभिप्राय क्या है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में संलग्न है, भाई आपने क्या किया, सभी कार्य को सभी व्यक्तियों में अलग अलग बांट दिया कि जिसका जो कार्य है उसके लिए आपने उसको सौंप दिया। तो वह जो व्यक्ति कार्य में संलग्न है, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है और वह जिस सामग्री और साधनों का प्रयोग कर रहा है उसमें पारस्परिक संबंध को स्थापित किया जाए। प्रायः जब कभी किसी भी कार्य में बहुत से लोग संलग्न होते हैं या शामिल होते हैं और अनेक प्रकार की क्रियाओं के होते रहने से अनेक वस्तुएं प्रयोग में आती हैं, तब हमें समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा क्षेत्र में हमें हर समायोजन की आवश्यकता पड़ती है और शिक्षा संचालन करने वाला जो अधिकारी है उसको हमेशा ये देखना चाहिए कि किसी स्थान पर भी श्रम, समय और सामग्री का दुरुपयोग ना हो। तो शैक्षिक प्रशासन का कार्य जिसे सौंपा गया है वो सभी व्यक्ति ये ध्यान रखें कहीं पर भी सामग्री का दुरुपयोग ना होने पाए। तो ये प्रधानाध्यापक को देखना चाहिए, प्रधानाध्यापक ये सारी चीज़ों को संभालता है। आगे देखिएगा अगला जो क्रिया है नियंत्रण और मूल्यांकन की, यानी कि कंट्रोलिंग और इवेल्युएशन की। वस्तुतः इसका संबंध जो है वो कार्य परिणामों से होता है और कोई भी क्रिया तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक उसके परिणामों का पूर्ण रूप से मूल्यांकन ना हो जाए कि भाई सारी चीज़ें तो हो रही हैं लेकिन उसका परिणाम क्या निकल कर आ रहा है कि भाई वो सफल हो भी रही है या नहीं हो पा रही है। तो इसलिए उसका मूल्यांकन करना भी आवश्यक है और मूल्यांकन के द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि हम उद्देश्य पूर्ति में सफल रहे हैं या नहीं रहे हैं और अपनी असफलताओं व कारणों का विश्लेषण करके हम भावी उद्देश्य निर्धारित कर पुनः यानी कि फिर से कार्य संचालित कर सकते हैं। अगर उसमें असफल हुए हैं तो फिर से उस कार्य को संचालित कर सकते हैं। अतः विचार पूर्वक देखने पर योजना निर्धारित करना, उसका संचालन करना, उसका मूल्यांकन करना एक ही क्रिया के कई सारे यानी कि विभिन्न पहलू हैं। इस प्रकार नियंत्रण का संबंध किसी भी क्रिया के संचालन में उस समस्त साधनों के निरीक्षण से होता है। कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि आप उनको अपने नियंत्रण में रखेंगे, जो भी आप कहेंगे बस वही कार्य होना, इसका मतलब ये नहीं है। नियंत्रण का आशय ये है कि समस्त साधनों का निरीक्षण करना जिनका प्रयोग किया जाता है। नियंत्रण के अंतर्गत शिक्षा संबंधी नियम, एक नियम बनाए आप, कार्यक्रम, कार्य विधियाँ, जो कार्य एक विधियाँ हैं कार्यों की उनको बताना और सभी बातें आ जाती हैं जो उसके अंतर्गत शक्ति का क्रियात्मक रूप भी हैं। तो नियंत्रण का मतलब है कि सबको उनके कार्य से अवगत कराना और एक नियम बना करके कार्य को संचालन करना। तो ये पांच क्रियाएं थी जो आपने देखी शैक्षिक प्रशासन की। तो ये हमारा आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।